और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, ये थाली मेरी तैयार है, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और बाकी अब अनुज बना रहे चाय, क्योंकि मैं इनसे बोल के गई थी कि चाय बना देना मेरे आने तक, और आज ये चाय बना रहे हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आज है करवा चौथ और मैं अभी नहा धो के रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ा बहुत रह गया है। जैसे मैंने अभी कान के नहीं पहने हैं तो अभी मुझे ये पहने हैं। कल उतारे थे ना, कल स्कूल में प्रोग्राम था तो कल उतारे थे, उसके बाद मैंने नहीं पहने हैं। बाकी अभी मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि भी हमें तो कुछ नहीं खाना पीना है, बट इनको तो खाना है, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। तो इन्होंने कहा कुछ बना दो, मैंने कहा चलो ब्रेड पकौड़ा बना देती हूँ, और क्या बनाऊँ कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और आप लोग बताओ, आप लोग करवा चौथ कैसे मना रहे हो? सबकी तैयारी हो गई होंगी, सब अच्छे अच्छे से रेडी भी हो गए होंगे। तो बस अभी घर के काम वगैरह मेरे सब कुछ निपट गए हैं, पूजा की तैयारी करनी है, तो वो तैयारी करने के बाद, पूजा तो शाम को ही होती है 4 बजे से, तो वो तैयारी अभी करनी है। और मैं पहले नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, और फिर अभी ना मुझे जाना है बंजारा मार्केट, कुछ काम है तो वहाँ से कुछ सामान लाना है घर का, दिवाली का। हम डेकोरेशन का कुछ भी सामान नहीं लेकर आए हैं, देखते हैं कुछ मिल जाएगा तो वहाँ से एक आध चीज़ ले आएंगे, क्योंकि आज संडे है, उसके बाद फिर नेक्स्ट संडे में ना हमको टाइम नहीं है, हमें घर निकलना है। तो इसीलिए मैं करती हूँ काम और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ बंजारा मार्केट से, और अभी नहीं आई हूँ, मतलब मैं बहुत देर पहले ही आ गई हूँ, तो वहाँ से कुछ सामान लाना था और बहुत ज़रूरी लाना था, तो इसीलिए मुझे आज जाना पड़ा। बट ठीक है, टाइम था तो हम चले गए। और उसके बाद आने के बाद मैंने बनाया खाना, खाना बनाया और किचन साफ करी, बर्तन धोए, और अब थोड़ा बहुत काम और रह गया वो करती हूँ फटाफट। 4:30 बज गए हैं और 6 बजे तक हमें रेडी होना है, क्योंकि पूजा करनी है। तो बस अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो अभी ना मैं होने लगी थी रेडी, तो फेस वॉश करके मैं आ गई थी, बस यहाँ पर थोड़ा सा फेस को क्लीन कर रही थी वाइप से, क्योंकि जो भी डस्ट वगैरह लगी है वो अच्छे से और क्लीन हो जाए। और उसके बाद मैं निकालने लगी थी यहाँ अपना लहंगा, क्योंकि मैंने ना ये बेड के अंदर डाला था जब से मैं इसे लेकर आई थी, तो बस यहाँ पर मैंने अपना लहंगा निकाल लिया था। और आज मैं पहनने वाली हूँ ये गोल्डन कलर का लहंगा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मैंने लहंगा लिया है चांदनी चौक से, शरादों से पहले मैंने ले लिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि शरादों में हमारे वहां लेते नहीं है और नवरात्रों में मुझे टाइम नहीं होगा लेने का। सो गाइस, अभी मैं हो गई हूँ रेडी एंड दिस इज माय फाइनल लुक। और मैंने बहुत सिंपल सा, सटल सा मेकअप किया है, कुछ ज़्यादा नहीं किया है। और मैंने ना एक मिंत्रा से सेट मंगाया था, बट बकवास लग रहा था, बिल्कुल बकवास, इसके संग मैचिंग नहीं जा रहा था, तो वो मैंने रिटर्न डाल दिया। और जो मेरे पास एक ही ज्वेलरी रखी थी मैंने वही पहन ली। सो कैसा लग रहा है मेरा फाइनल लुक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस बार मैंने लिया है ये गोल्डन कलर का लहंगा, जो कि मुझे ना इस बार गोल्डन ही पहनना था, चाहे मैं साड़ी लेती या सूट लेती कुछ ही पहनती, बट गोल्डन ही पहनती। तो मुझे गोल्डन कलर का लहंगा मिल गया था उस दिन जब मैं चांदनी चौक गई थी, और मुझे यह एक ही नज़र में पसंद आ गया, तो बस फिर मैं ले लिया। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, ये थाली मेरी तैयार है, और अभी हम जा रहे हैं एक पार्किंग में किसी की, सब लोग वहाँ बैठ के पूजा करेंगे। और अभी मैंने बाल बांध लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इसलिए मैंने बाल बांध लिए हैं। और अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। सरकार की जय।
सो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर और पूजा बहुत अच्छी रही। सो आप लोगों ने देखी होगी, मैंने पहली बार ऐसी पूजा करी क्योंकि हमारे वहाँ ऐसी होती नहीं है। बट मैंने सोचा यार इस बार ना सबके साथ करते हैं, हमेशा हम अकेले घर में ही करते थे तो बाकी बहुत ज़्यादा थक गए और कभी करी नहीं ऐसी पूजा। और एक तो ये लहंगा, इसके केन केन में ना वहाँ बैठा ही नहीं गेम में मुझसे तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और बाकी अब अनुज बना रहे चाय, क्योंकि मैं इनसे बोल के गई थी कि चाय बना देना मेरे आने तक, और आज ये चाय बना रहे हैं और कह रहे हैं एक बार चाय फट गई है अब दोबारा चाय बन रही है। और खाना वगैरह आज मैं नहीं बना रही हूँ कि मैं यार थकान लग रही है बहुत ज़्यादा और मन नहीं कर रहा कुछ बनाने का। तो ना ये कह रहे हैं कि चलो बाहर से ही खा लेंगे, मतलब मैंने ही कहा तो इन्होंने कहा कि ठीक है चलो खा लेंगे। तो अभी देखते हैं क्या मंगाते हैं, क्योंकि यार क्या फ़ायदा इतना सारा बनाऊं और तो वैसे ही थकान लग रही है तो मन भी नहीं कर रहा है। तो बस मैंने खीर बना ली है, खीर मुझे बहुत अच्छी लगती है तो बस खीर खाएंगे और बाहर से खाना मंगा कर खाएंगे। और बाकी अभी तो चांद आने में टाइम है तो तब तक ना थोड़ा बहुत हम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं, बस पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी की थाली, मतलब मेरी सासू माँ की थाली। इसमें सारा है मेकअप का सामान जो भी दिया जाता है आज के दिन। और इसमें है ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिए हैं बादाम और किशमिश। तो इसमें मैंने लिए हैं चूड़ियाँ जो कि हैं रेड कलर की चूड़ियाँ सारी। तो मेरी जो मम्मी है वो रेड कलर की चूड़ियाँ ही ज़्यादा पसंद करती हैं। कड़े हैं और क्लेचर है, क्रीम है, बिंदी और बाकी सारा सामान, नेल पेंट, सिंदूर, पेंस, कोन और ये है 500 रुपीज़। तो ये सारा सामान है जो मैं मम्मी को दूंगी। और ड्राई फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर देने पड़ते हैं क्योंकि ड्राई फ्रूट देना ज़रूरी होता है। बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं पता है क्यों देने पड़ते हैं, क्या देने पड़ते हैं। बाकी ये जो थाली है जो आप देख रहे हो, ये वाली थाली, ये थाली मैंने ही बनाई थी क्योंकि पिछले साल जो मेरी थाली थी मार्केट की वो थाली मेरी ख़राब हो गई थी। तो इस बार मैंने सारा इसमें पेंट कर दिया है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है पेंट करके। बाकी सारा सामान ना मैं जब अपने घर जाऊंगी तो वहीं से ही मैं खरीदूंगी और तब खरीद के मम्मी को दूंगी क्योंकि मैं उन्हीं की पसंद का लूंगी। तो वो यहाँ रहती नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि जो मेरा मायका और ससुराल है वो उत्तराखंड में है। तो जब मैं दिवाली के टाइम पे वहाँ जाऊँगी तो सारा सामान, बाकी जो भी ख़रीदना होता है कपड़े वगैरह, तो मैं वहीं से ख़रीद के दूंगी। और अपने जो व्लॉग है जब मैं उनको दूंगी वहाँ पहुँचकर तो मैं उसमें ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने उनके लिए बाकी सब क्या क्या ख़रीदा है। तो इस व्रत में ना जो भी हम खाना बनाते हैं आज घर में तो वो सारा खाना हमें अपनी सास के लिए निकालना पड़ता है और उनको वो खाना, मिठाई और फ्रूट्स वगैरह सब कुछ देना होता है। बट जैसे मम्मी हमारे साथ यहाँ नहीं रहती हैं तो उनके लिए मैं ये सारा चीज़ नहीं निकालूंगी। हाँ अगर वो साथ में रहती तो ये सारा सामान, मतलब खाना वगैरह, मैं उनके लिए ज़रूर निकालती, बट वो साथ में नहीं रहती है इसलिए मैंने खाना वगैरह उनके लिए नहीं निकाला है। तो और 8:30 बज गए हैं, चांद भी आ गया, बस अब हम जा रहे हैं छत में पूजा करने के लिए। भारी भरी है। हाँ मिठाई नहीं रखी, बस मिठाई रखनी है। हाँ रख दी, वो गुलाब जामुन रख दिया मैंने।
तो बस अब हम निकलते हैं, चांद आ गया है और बहुत प्यास लग रही है। और मैंने ना नींबू पानी बनाकर रख रखा है, आऊंगी तो मैं नींबू पानी पीऊंगी सबसे पहले। और यहाँ मेरी थाली अनुज लेकर जा रहे हैं। आज सारा काम अनुज करेंगे, खाना भी अनुज बनाएंगे। चलो चलो चलो। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं मजाक, क्योंकि मेरा लहंगा बहुत भारी है, इसलिए भाई अनुज आज ड्यूटी कर रहे हैं। चलो हम आ गए हैं पूजा करके सकते और पानी पीके तो सीरियसली यार मन बहुत शांत हुआ। और अभी मैंने बनाया है नींबू पानी, तो पहले मैं नींबू पानी पीऊंगी और नींबू पानी पीने के बाद फिर हम खाना वाना खाएंगे। खाने की ना भूख नहीं है बिल्कुल भी नहीं, तो नींबू पानी पीऊंगी। तो बस अभी मैं करती हूँ ब्लॉग को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।